मेरा नाम संकेत सुधीर कुरकुरे है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो हमने मृगजल नामक कथा संग्रह से लिया है, जिनके लेखक श्री एम बी पाटिल जी शेडबाल है। उन्होंने यह कहानी कन्नड़ भाषा में लिखा है। इस कहानी का शीर्षक है क्यों बोले। वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त थे, उनके 7 रानियां थी, उनमें से एक रानी श्रीदेवी थी। राजा बहुत दुखी थे, वह राजा थे पर पिता नहीं थे। उनके पुण्य के उदय से एक दिन रानी श्रीदेवी ने एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। वह 2 वर्ष के बाद वह पुत्र कुछ बोला नहीं, कुछ हंसा नहीं, रोया भी नहीं। तब राजा ने सारे वैद्यों को दिखा दिया पर वो कुछ काम का नहीं हुआ। जब वह पुत्र 16 साल का हो गया तब राजा ने सोचा कि अगर वन विहार में भेजे तो कुछ प्रभाव हो सकता है। वह पुत्र एकांत जगह में बैठा था, उसके आजू बाजू उसके सारे अंग रक्षक थे, बहुत सारे पक्षियां आकाश में उड़ रहे थे। एक पक्षी ने बहुत खुश मन में था तो वह बहुत जोर से ध्वनि निकाला। तब अंगरक्षकों ने उसके ऊपर निशाना मार के उसे मार दिया, वह पक्षी नीचे गिर के मर गया। फिर वह पुत्र को वो दृश्य देखा नहीं गया। उसने बोला, अरे मूर्ख क्यों बोले। तब अंगरक्षकों ने खुश समाचार लेके राजधानी की ओर दौड़ते गए। उन्होंने राजा को कहा कि आपके पुत्र ने बोला। तब बहुत स्वागत करने के लिए बहुत सारे सामग्री राजा ने तैयार किए। जब वह पुत्र वन से आया तब राजा ने बहुत सारे प्रश्न पूछे पर पुत्र ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा को तब बहुत गुस्सा आया, उसने अंगरक्षकों को दंड देने को कहा। वह दंड में उसने उसे 100 कोड़े मारे जाए करके कहा। वह अंगरक्षक बहुत जोर से चिल्ला रहा था जब उसे कोड़े मारे पड़ रहे थे। तब वह पुत्र को दृश्य देखा नहीं गया, उसने कहा, अरे मूर्ख क्यों बोले। वह पुत्र ने राजा से कहा, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मैं सब लोगों के तरह बोल सकता हूँ पर सिद्ध भगवान कुछ बोलते नहीं है, इसीलिए मैंने भी नहीं बोला। और आपने आपके सामने ही देखा कि बोलने से क्या फल होता है, कि एक प्राणी का जीवन चला गया और अंगरक्षक को मार पड़ रहा है। तो ऐसे कहकर वह पुत्र वापस वन की तरफ चला गया। जय जिनेंद्र।